नाश्ता। एक गांव में नंदूलाल नाम का एक इंसान ने एक नाश्ते का दुकान खोला और अपनी बीवी से उसने उद्घाटन करवाया। उनको भगवान पे बहुत भरोसा था, इसलिए पहले भगवान को नमस्कार करके, भगवान मेरे इस व्यापार को आप आशीर्वाद दीजिए, उसने प्रार्थना किया। फिर अपने होटल के मेन्यू में नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन नाश्ते के बारे में लिखा। इतने में एक मोटा सा आदमी उसके होटल पे आया। नंदू से देखकर सोचा, अरे वाह, बोनी बढ़िया होने वाला है, लगता है ये कम से कम 100 रुपए का बिल करेगा। वो खुश हुआ, फिर उसके पास जाकर बोला, सर आप मेरे पहले कस्टमर हो, आपको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ऐसा क्या, मेरा नाम लड्डू है, याद रखना, मैं रोज तुम्हारे होटल में खाने आऊंगा। आइए सर, रोज आइए, आपको क्या खाने को दूं? पूरी कितने का है? 20 रुपए का। और सब्जी? फ्री। पोहे कितने का है? 15 रुपए का। और प्याज? फ्री। डोसा कितने का? 20 रुपए। और चटनी? फ्री। पराठा कितने का है? 30 रुपए का। और सब्जी? सर सब्जी तो फ्री में ही देते हैं ना। ऐसा क्या, तुम सच ही बोल रहे हो ना? अरे सच ही बोल रहा हूँ सर, भगवान की कसम गा के कहता हूँ। वैसे आप क्या खाना चाहेंगे सर? थोड़ा सब्जी और प्याज ले आओ। सिर्फ करी और प्याज से क्या होगा सर? तुम लेके तो आओ, फिर बोलता हूँ। नंदू एक प्लेट में सब्जी और प्याज डाल के ले आया। फिर लड्डू अपने बैग में से एक टिफिन कैरियर निकाला, उसमें से पराठा निकाला। नंदू उसे गौर से देख रहा था। लड्डू ने पराठे में से एक टुकड़ा फाड़ा और उस टुकड़े से पूरा सब्जी खा लिया, साथ में प्याज भी खा लिया। थोड़ा सब्जी और प्याज और लेके आओ, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर फिर भी उसने थोड़ा सब्जी और प्याज और लाके दिया। लड्डू ने अपने पराठे में से एक टुकड़ा और फाड़ा और पूरा सब्जी और प्याज गटक गया। इस तरह उसने एक ही पराठे से होटल का पूरा सब्जी और प्याज खा लिया। इधर नंदू भचौंक गया। जाते जाते लड्डू ने कहा, अरे वाह सब्जी बढ़िया था, कल फिर आऊंगा। नंदू सोचा, अरे ये क्या, बोनी ही उल्टा पड़ गया। फिर उसने रसोइयों से कहा, फिर से सब्जी बना, पूरा सब्जी यही खा गया। दूसरे दिन लड्डू फिर से आ पहुंचा। अच्छा ढोकला कितने का? 25 रुपए का सर। दही? फ्री। छोले कितने का? नंदू थोड़ा सोच के बोला, सर छोले भटूरे हम एक साथ ही बेचते हैं, 50 रुपए। तो इडली कितने के बेचते हो? 20 रुपए का सर। और सांबर? फ्री। तो सांबर लेके आओ। फिर लड्डू ने अपने टिफिन बॉक्स में से 2 इडली निकाले और नंदू जब सांबर डाल रहा था, लड्डू ने कहा, अरे इतने बार क्या घूमोगे, उस कटोरी को यहीं रहने दो। फिर लड्डू ने सांबर की कटोरी में इडली डालकर उन्हें अच्छे से मिलाया। फिर कटोरी उठाकर एक ही बार में पूरा सांबर पी गया। नंदू को डर लगने लगा। हर रोज लड्डू अपने घर में से कभी पूरी कभी पराठा ले आता और होटल में रखा सब्जी दही वगैरह पूरा गटक जाता। एक दिन नंदू ने लड्डू को बिल दिया। अरे बिल किस बात का, तुम्हारे होटल में जो फ्री में देते हो मैं तो वही खाता हूँ। सर ये तो अन्याय है, आप अगर पराठे पूरी वगैरह लोगे उसके साथ बाकी सब फ्री में आएगा, सिर्फ सांबर चटनी और करी में फ्री में कैसे दूं? जब पहली बार आया था तो तुमने ये सब नहीं बताया, सब्जी चटनी सब फ्री फ्री कहकर, भगवान का कसम भी तो खाया था। मैंने कभी तुम्हारे यहाँ पराठा या पूरी लिया है? अब तुम बात बदल रहे हो देख लो। नंदू कोई जवाब नहीं दे पाया, चुप हो गया। पर होटल पर आने वाले बाकी कस्टमर्स को पूरी मिलता, सब्जी नहीं मिलता, इडली मिलता, सांबर नहीं मिलता, वो लौट जाते। एक दिन नंदू मुंह लटकाए बैठा था तो सर्वर बंटी ने कहा, ये क्या कर रहे हो मालिक, भगवान पे आपके भक्ति को ढाल बनाकर वो आपको ठग रहा है, वो सिर्फ नाश्ता खाने नहीं आ रहा है, तीरो वक्त के लिए हमारे यहाँ पेट भर के सब्जियां खा के जा रहा है, उसको सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक तरीका है मालिक, मेरी बात मानोगे ना आपकी कसम टूटेगी ना इस होटल पे वो फिर से आएगा। फिर उसने नंदू को कुछ सलाह दिया। दूसरे दिन लड्डू आके बोला, रसगुल्ला का रस फ्री बोला था ना, ले आओ साथ साथ चटनी सांबर पूरी की सब्जी, साथ में पेट में थोड़ा गड़बड़ है तो एक बड़ी सी कटोरी में गाढ़ा दही भी ले आना। अंदर रसोई में बंटी ने सांबर में अरंडी का तेल मिला दिया, पूरी की सब्जी में बेकिंग सोडा डाल दिया, दही में आइसक्रीम मिला दिया। फिर नंदू ने इन सारे चीजों को लड्डू को परोस दिया। ये सारे फ्री में दे रहे हो ना, फिर से बिल तो नहीं थमाओगे? सारा फ्री है सर, आप खा लीजिए। लड्डू ने 2 इडली निकाले, उसे सांबर में अच्छी तरह से मिलाया और फिर पूरा पी गया।
टिफिन बॉक्स में से एक छोटा सा पूरी निकाला, उसे सब्जी की कटोरी में डाली और फिर पूरा सब्जी और पूरी खा गया। फिर पूरा दही भी खा गया। थोड़ी देर बाद पेट में दर्द हो रहा है, मर गया बाबा, चिल्ला के भागते हुए वो वहां से चला गया। उस दिन के बाद से लड्डू फिर उस होटल पर नहीं आया तो उनका व्यापार भी जोर शोर से चलने लगा और नंदू ने सर्वर बंटी को 10,000 रुपए इनाम में दिया। तो बच्चों, कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है। हमारी अच्छाई और भलाई को ढाल बनाकर कोई हमें ठगना चाहे, भगवान उसे सबक जरूर सिखाता है। गोलगप्पा वाला। गणपति नगर नाम के गांव में कैलाश नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक गोलगप्पे का ठेला चलाता था और गुजारा करता था। वो पैसों के लिए बहुत लालची था। उसके व्यापार में जो भी वो कमाता था, उन पैसों को वो ब्याज पे दिया करता था। एक दिन एक लेनदार से उसने कहा, भाई कोई लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं? टेम पे पैसा लौटाना आता ही नहीं तुम्हें, फिर कभी आना उधार मांगने, मुंह तोड़ दूंगा, अब जाए यहां से। एक दिन नायक नाम का एक आदमी अंडों के ऑटो में उसके पास आया और नायक ने कहा, कैलाश भाई, 2 महीने से मेरा धंधा मंदा चल रहा है, अचानक से ही अंडों का दाम कम हो गया और मार्केट भी बुरी तरह से गिरा हुआ है। अंडों के दाम बढ़कर मार्केट को फिर से खड़े होने में करीब 1 महीना लग जाएगा। मेरी हालत ठीक नहीं है भाई, घर की हालत भी बहुत बुरी है, अगर हो सके तो 10,000 उधार दे दो। कैलाश ने कहा, तुम बार बार उधार मांगते हो पर 1% ब्याज पर मांगते हो, इस बार तो 1% पे मैं दे दूंगा, 10% ब्याज देना है तो पैसे दूंगा। नायक ने कहा, मेरी जरूरत को आड़े बनाकर इतना ब्याज मांगोगे तो कैसे होगा? जो लोग पैसे लौटाना नहीं चाहते वही लोग ज्यादा ब्याज पे पैसे लेते हैं। सावधान, तुम तो जानते हो मैं उस तरह का इंसान हूँ ही नहीं। कैलाश ने कहा, तुम किस तरह के इंसान हो उससे मुझे क्या करना है, मेरे व्यापार के बारे में तुमसे सलाह लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं, अब तुम जा सकते हो। जब उसकी बीवी जानू को पता चला कि वो इतना ज्यादा ब्याज पे पैसे देता है तो उसने कहा, सुनिए जी, गोलगप्पे बेचकर जो कमाई होती है वो हमारे लिए काफी है ना, बीच में ये ब्याज का कारोबार करना क्या जरूरी है? लोग ब्याज के पैसे देते हुए गालियाँ दे रहे हैं, ऊपर से सारा पैसा उधार दे रहे हो, बिल्कुल बचत नहीं कर रहे हो, अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या करोगे, एक बार सोचो ना। कैलाश ने कहा, देखो जानू, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या? पैसे घर पर बचा के रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, 1 रुपए कमाओ फिर उसका 2 रुपए बनाओ, एक व्यापारी का यही असली लक्षण होते हैं, तुम ये सब समझ नहीं पाओगे, जाओ जाके नहाने का पानी गर्म करो। एक दिन कैलाश का बेटा घर के पास खेल रहा था, अचानक से चक्कर आके गिर गया। कैलाश उसे तुरंत ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। बच्चे का परीक्षा करने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, 1 महीने तक हर रोज इसका खून बदलना पड़ेगा, शहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा, काफी कीमती दवाइयाँ देनी पड़ेगी, खर्चा काफी आएगा, करीब करीब 7,00,000 रुपए तक खर्चा आएगा, अगर आप हामी भर दो तो मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, जितनी देर होगी तबीयत उतनी बिगड़ जाएगी, कहकर डॉक्टर चला गया। जानू बोली, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? हे ईश्वर, आप ही हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। बेचारी रोने लगी। कैलाश हॉस्पिटल से भागते हुए एक आदमी के घर आ पहुंचा। रामू, मैंने तुम्हें जो 2,00,000 रुपए दिए थे वो मुझे अभी के अभी चाहिए, प्लीज थोड़ा जल्दी करो। रामू ने कहा, अरे भाई, इतने हड़बड़ करके पैसे मांगोगे तो कहाँ से दूंगा, वैसे भी मैं हर महीने ब्याज तो भर ही देता हूँ ना, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो लौटा दूंगा। इसके बाद वहां से कैलाश भागते हुए किसी और के घर जा पहुंचा। उस आदमी ने कहा, यार तुम्हारे बेटे के बारे में सुनके मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, पर मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, पता भी नहीं कब आएंगे। किसी और के घर वो पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, क्यों भाई, जो भी मन में आया बोल रहे हो, तुमने क्या पैसे यूं ही दिए थे, ब्याज के लिए ही तो दिए थे, जब तक हम देते हैं इंतजार करो, इतनी जल्दबाजी नहीं चलेगी। इस तरह कैलाश पूरी गांव में भागता रहा अपने पैसे वापस लेने के लिए।
सारे कर्जदार मना करते रहे कि उनके पास अभी तो पैसे हैं नहीं। निराश होके, हताश होके, दुखी मन लेके, असहाय होके वो अस्पताल आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि डॉक्टर तो उसके बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहा है, पास में उसे नायक को खड़ा देखा। तब जानू बोली, लगता है नायक को भगवान ने ही भेजा है, उसने डॉक्टर की पूरी फीस दे दी है, हमारे बच्चे का इलाज शुरू हो गया है। तब कैलाश ने हाथ जोड़कर नायक का धन्यवाद किया। नायक ने कहा, मैंने सुना तुम्हारे बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने चला आया। यहाँ आके पता चला तुमको पैसों की जरूरत है। ऊपर वाले की दया से एक महीने से मेरा धंधा अच्छा चल रहा है, मेरे पास पैसे थे सो मैंने भर दिया। अरे बच्चे के जान के सामने पैसों की कोई अहमियत होती है क्या? जब तुम्हारी परिस्थिति ठीक हो जाए, पैसे हाथ में आ जाए, तब लौटा देना पैसे, पर सूद की बात मत करना, सिर्फ असल लौटा देना बस। कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन बाद बच्चे का तबीयत सुधर गया तो उसे लेकर घर आ गए। फिर कैलाश ने सूद का धंधा बंद कर दिया और सिर्फ गोलगप्पे बेच के जो कमाया उसी से उसने नायक का उधार चुकाया। तो बच्चों, उधार देना और उधार लेना दोनों ही अच्छी बातें नहीं होती। पैसों के वजह से प्यार मोहब्बत और आपसी संबंध टूटने का खतरा रहता है। अच्छी लगी कहानी?